डिंडौरी में अवैध खनन के खिलाफ बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने आदिवासी नेताओं के साथ कलेक्टर से शिकायत की, जहां रेत माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। धुर्वे ने आरोप लगाया है कि बुड़नेर नदी में ठेकेदारों के गुर्गे बंदूक की नोक पर अवैध खनन कर रहे हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों को डराते धमकाते हैं। बता दें, एक सप्ताह पहले ओम प्रकाश धुर्वे ने अवैध खनन की शिकायत मंत्री कमल पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से की थी, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ओम प्रकाश धुर्वे का कहना है, अगर प्रशासन जल्दी कोई एक्शन नहीं लेता तो वो खुद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ठेकेदार के खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता अमान सिंह ने अवैध खनन को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आदिवासी क्षेत्र में रेत वहां का निकासी करवा रहे हैं, जहां पर खदान है, उनका स्वीकृत खदान है जिस रकबा में, वहां से दूसरी जगह भी वो लोग रेत खदान करवा रहे हैं। सब उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और इनके ऊपर आदिवासी हरजन एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपमानित किया है जाति सूचक। ये बंदूक जो खंडे में रखने का, वैसे मोहल तक आ गए हैं तो ये भिंड का है, कहीं से भिंड आ जाए तो यहाँ निपट जाएंगे। ये हमने उसको निवेदन किया है, इसलिए आप इसको रोकने का काम करेंगे। ये शिकायत में यही हुआ है कि कुछ लोग कहे गांव में आते हैं, दहशत फैलाते हैं, माहौल में प्रभाव करता है, ये सब शिकायत में लिखा हुआ है। जांच होगी, जांच द्वारा जो भी स्थिति पाई जाएगी वो कार्रवाई होगी।